अब कोई तरीका नहीं था। इस बजट में दोबारा से गवर्नमेंट ये ऑप्शन लेके आई है, ITRU का नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि आप पिछले 2 सालों की ITR को फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप नील की रिटर्न डाल रहे हो, उसमें कोई टैक्स पेबल नहीं होगा तो वो फाइल नहीं होगी, उसके अंदर टैक्स पेबल आपका आना चाहिए। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मेरा TDS कटा हुआ है 50,000 रुपए, मेरा टैक्स पेबल है 5,000 रुपए, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टैक्स पेबल, आपका 45,000 का रिफंड आ जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 50,000 से ऊपर टैक्स पेबल बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा टैक्स पेबल बनना चाहिए, रिफंडेबल बनता है टैक्स पेबल, कुछ अमाउंट आपका टैक्स पेबल जरूर बनना चाहिए, या अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखी है तो आपको उसके अंदर टैक्स पेबल बढ़ाना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? मैम देखिए, टैक्स पेबल गवर्नमेंट ये कह रही है, अगर आप टैक्स पेबल बढ़ा ही नहीं रहे हो, देखिए आपको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कुछ हद तक अपने लिए ही दी है कि भैया टैक्स पेबल आपको बढ़ा के दिखाना है, आपको स्क्रूटनी का डर लग रहा है, आपसे कोई इनकम मिस हो गई थी, तो आप वो इनकम अपनी बढ़ा के डिस्क्लोज कर दीजिए, उस पर बहुत थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के गवर्नमेंट आपसे लेगी। अगर आपने कोई मेजर ब्लंडर कर दिया, मुझे जो लग रहा है ये क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट ने खासतौर से निकाला है ITRU का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे बंदे अपनी ITRs नहीं भर रहे थे। जी ओके ओके, ये तो हाल ही में हुआ है कि इन्होंने टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो पर, ऑल्दो क्रिप्टो इज नॉट लीगल, पर टैक्स जरूर कर दिया है क्योंकि लोग कमाना शुरू कर चुके थे पिछले खास करके पिछले 2 साल में, लोगों ने जिनके पास टाइम आ गया था, लैपटॉप लेके बैठे थे घर पर, सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इस पर लागू किया था टैक्स। तो ये जो चेंज है, आप जो कह रहे हैं कि अगर आपने मिस भी किया हो तो हम भर जरूर सकते हैं लेट फी के साथ, लेकिन टैक्स पेबल बढ़ाना पड़ेगा, अब ये क्या एक आम इंसान, एक आम सैलरीड पर्सन ये समझ सकता है और ये कर सकता है ऑनलाइन, या फिर इसके लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स के या CAs की जरूरत पड़ेगी? जितना ज्यादा गवर्नमेंट इसको इजी करती जा रही है, एक आम आदमी बड़ा इजीली इसको भर सकता है, लेकिन हम लोग डरते इतने ज्यादा है ना, हम लोगों को डर इतना लगता है कि नहीं मेरे से तो गलत ही होगा फाइल, वो फिर आपको एक कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होती है कि भैया पता चले आप भर दो और आप फिर टेंशन में रहो, इससे बढ़िया फिर आप एक कंसल्टेंट एंगेज कर लो इजीली, थोड़ा सा गूगल करके, थोड़ा सा मेहनत करके देखेंगे, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आपको ITR फाइलिंग ही सिखा देते हैं कि भैया कैसे करनी है, लेकिन आप गलत ना बने, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। हाँ, इसके अंदर AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया था, उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग अब आने लगी है, वो जरूर चेक करके फाइल करें। जी, तो AIS चेक करके जरूर फाइल करें, और ये AIS हमें IT वेबसाइट पर मिल जाएगा अपने नाम के व्यतिरिक्त क्या, फिर या फिर हमें ऑप्शन कहाँ पे मिलेगी? डैशबोर्ड के बाद सर्विसेज की एक ऑप्शन आएगी, सर्विसेज को जब आप स्क्रॉल करोगे उसके अंदर आएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको एक अलग विंडो पे ले जाएगा और उसके अंदर आप अच्छे से अपना ईयर वाइज चेक कर सकते हो। वाओ लवली, तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत तो है, अगर आपको लेट फीस नहीं भरनी है तो, पेनल्टी नहीं भरनी है तो, आपको समय पर ही इसी महीने 31 जुलाई तक का टाइम है, ये ट्रेडिशनल टाइमिंग विंडो, टाइम विंडो है जिसके लिए हमें पास्ट ईयर के इनकम टैक्स का हमें फाइल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक सर्टन बिग अमाउंट है वापस जरूर आता है, लेकिन जो टैक्स हमें भरना होता है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। ओके, सो दिस इज वन, ये हम अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और ये AIS के बारे में जो उन्होंने पिछली बार भी समझाया था राहुल जी ने, आई होप आपको वो याद है, और ये जो नया अमेंडमेंट है कि 2 साल तक का वक्त दिया गया है, बट योर टैक्स पेबल हैज टू इंक्रीज, अगर आपको कंसल्टेंसी की जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज जरूर लीजिएगा, और राहुल जी को अगर आपको फॉलो करना है और सवाल करने हैं तो इनकी यूट्यूब चैनल पर, जो कि बड़ा सिंपल है, CA राहुल गुप्ता, इस पर आप जा सकते हैं और आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पोल क्वेश्चन की ओर, जो कि अगेन बड़ा सिंपल सा ही है, मैंने एक्चुअली इसका जवाब दे भी दिया है। Do you know how much time you have left to file returns for last year's income? मतलब अब जो पिछले साल का इनकम रिटर्न हमें फाइल करना होता है, क्या आपके पास पता है कितना टाइम आपके पास बचा है? Yes करके सवाल का जवाब ऑलरेडी आ चुका है, पर हमारे पास अब 17 सेकंड और हैं, तो यू हैव 15 मोर सेकंड्स। ओके, नाउ 10 मोर सेकंड्स टू रिप्लाई इफ यू नो हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट नाउ टू फिल लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स। ओके,
आई थिंक एवरीबडी नोज इट, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं, कहते हैं हाँ हम जानते हैं कि इसी महीने हमें भरना है. सो 31st of July, राइट राहुल जी? ओके, हमें बताइए कि अब जब हम फाइल रिटर्न के बारे में बात करते हैं और असेसमेंट ईयर के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपने ये रेज किया था और कहा था कि इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब इनकम टैक्स का रिपोर्ट आता है वो इस साल 22 to 23 का आएगा, पर एक्चुअली हमने फाइल इस साल का किया नहीं है क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तो चल रहा है. किया तो हमने 21 to 22 का है, 21st April to 22 March तक का है. तो इसका चक्कर क्या है और ये ऐसा क्यों करते हैं और हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखिए मैं आपको बता, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर. जी, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट सेम ही चीज मानी जाती है. अगर आप कहीं पे भी फाइनेंशियल ईयर पढ़ेंगे तो उसको आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है. अब जिस साल में आपने इनकम कमाई, दैट इज प्रीवियस ईयर. आपने April 21 से मार्च 2022 तक जो पैसा कमाया उसका प्रीवियस ईयर होगा April 21 से March 22. जिस ईयर में डिपार्टमेंट आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको असेस करेगा, मतलब आपकी इनकम को चेक करेगा कि आपने ठीक फाइल की है कि नहीं की है, दैट इज असेसमेंट ईयर. ओके, तो April 21 से March 22 में आप पैसा कमाएंगे, April 22 से March 23 का उसका असेसमेंट ईयर बनेगा. तो इसीलिए क्या होता है, कई बार आप अगर बैंक लोन के लिए देते हो, बैंक वाला कहता है हमें तो 22-23 की ITR चाहिए, तो आपको अब समझदार बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, आपको उसको ये बोलना है भाई असेसमेंट ईयर मांग रहा है, प्रीवियस ईयर मांग रहा है. जी बहुत खूब, बहुत खूब. तो इंटेलेक्चुअल आपके बिहेवियर में आना चाहिए वो, कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के ऊपर मैंने एक यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको और कुछ कंफ्यूजन है तो आप वहां पे जाके आराम से वो वीडियो देखिए. जी. तो फिर ये असेसमेंट ईयर बैंक पूछेगा क्यों, मतलब क्यों जानना चाहेगा? क्योंकि वैसे तो उनके पास तो प्रीवियस ईयर का ही डिटेल्स होना चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि टैक्स हमने भर दिया है और रिटर्न्स भी आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये चक्कर क्यों है प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का बैंकों में, खास करके जब हम लोन लेने जाते हैं? पता है क्या चक्कर है, बैंक वालों को भी नॉलेज नहीं है, वो भी बोल देते हैं 22-23 के ITR तो जानी शुरू हुई है, 22-23 के ले आओ. हम कहते हैं भाई असेसमेंट ईयर 22-23 की शुरू हुई है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में. ठीक है, तो वो कंफ्यूजन एटलीस्ट जो व्यूअर्स हैं वो तो अब याद कर लें कि भैया असेसमेंट ईयर वो है जिस साल में हम अपनी ITR डालेंगे और इनकम हमारी पिछले साल की इनकम होगी. ऑलराइट, बहुत खूब. एक और बहुत अच्छी बात हमने आज समझ के ली है राहुल जी से, और वो ये है कि असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसमें पिछले साल की इनकम का जो आप कमा चुके हो उसका टैक्स असेस होता है. इसीलिए असेसमेंट ईयर इज 22-23, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट होता है, और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक्चुअली आपका साल होता है जो इस साल असेस होगा. बैंकों में भी लोगों को पता नहीं है. देखिए आपके पास अब अपर हैंड है, अगर आप क्लास और अपोजो के शो पर हो मनी की बात, तो सीए राहुल गुप्ता और मेरे यानी आनी के साथ मिलकर आप इतनी सारी चीजें जान रहे हैं कि अगली बार जब आप बैंक जाएंगे, आप लोन अप्लाई करेंगे या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के लिए अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में बात करनी हो, तो अब आपके पास एक बेसिक फाइनेंशियल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स है, उनकी जानकारी है. सो दैट इज वेरी वेरी गुड राहुल जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया है. एक और चीज आपको मैं पूछना चाहूंगी है स्लैब्स के बारे में. हमने अभी इनकम टैक्स के बारे में बहुत बेसिक चीजें, बहुत जरूरी चीजें हमने समझ ली है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और हमारे पास अब टाइम है, इस महीने में हमारे पास 31 तक टाइम है. तो प्लीज वेबसाइट पर जाइए इनकम टैक्स के और वहां पर अपना फाइल कर लीजिए. चीज अगर आपको मदद की जरूरत हो, अगर आप समझ नहीं रहे हैं AIS क्या है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी समझाया है, which is a statement basically, assessment statement, तो फिर अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप help जरूर ले सकते हैं किसी CA की. पर मुझे आप बताइए, who is eligible for income tax returns? देखिए मैम, income tax returns के अंदर ये बड़ा ही पेचीदा हुआ है पिछले 2-3 साल से. क्या चक्कर है, 5 लाख से ऊपर अगर हर बंदा ये सोचता है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये गलत धारणा है. स्लैब रेट कभी भी 5 लाख का गवर्नमेंट ने नहीं किया है. स्लैब रेट 2.5 लाख है, 2.5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है. लेकिन अगर आपकी इनकम 4,99,999 तक है तो गवर्नमेंट कहती है हम आपका स्लैब 87A के अंदर हम आपको 12,500 रुपए की टैक्स की रिबेट दे देंगे और आपका स्लैब ऑटोमेटिकली 5 लाख पे शिफ्ट हो जाएगा.
समझते हैं कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हमारा स्लैब रेट आज भी 2.5 लाख से ऊपर है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपका टैक्स 2.5 लाख से कैलकुलेट होता है। अच्छा, तो भैया ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आज हम जान रहे हैं कि 2.5 लाख के ऊपर जितना भी आप कमा रहे हो उस पर आपका टैक्स जरूर अकाउंट होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो रिबेट की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि 4,99,000 अगर हमारी सैलरी हो, तो ये भी गवर्नमेंट का ही एक तरीका है कि रिबेट, रिबेट का मतलब मेरे पॉकेट में, मेरे हाथ में आ जाएगा पैसा। मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ने ये क्यों किया। गवर्नमेंट ये कहती है भाई अप टू 5 लाख रुपए की इनकम है ना, तो हमारे लिए वो एक लोअर इनकम ग्रुप है, हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेना चाहते। द मोमेंट द पर्सन टचेस 5,01,000 और 5,20,000, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि यार देखो अब हम चाहते हैं कि आप 2.5 लाख से टैक्स दो, आप एक अच्छा इनकम सोर्स से पैसा कमा रहे हो तो आप 2.5 लाख से टैक्स दो। हे भगवान, सरकार हमारी। ओके, बट दीज आर सर्टेन फैक्ट्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि 2.5 लाख के नीचे टैक्स नहीं है। तो अगर आप सालाना 2.5 लाख के ऊपर कमा रहे हैं तो 5% से तो शुरू होता ही है, पर उसके आगे जितना भी होगा आपका स्लैब बढ़ता जाएगा, 2.5 लाख के ऊपर से ही उसका कैलकुलेशन होगा, नहीं कि ये 5 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। So we've got to keep that in mind कि 2.5 लाख का ही बेस है, उसके ऊपर ही सब कुछ कैलकुलेट होगा, whatever your salary is। तो ये बहुत अच्छी बात आपने अभी कही है। इसका मतलब ये होता है कि हर कोई जब जानेगा और अच्छे से अंदर से पहचानेगा कि हमारे पैसे तो भाई हम जितना कमा रहे हैं उसमें इतना बड़ा बड़ा जो चंक है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, बाकी का जो मेरे पास बचता है ए तो हमको फाइल करनी ही है रिटर्न ताकि हमारे पास पैसे वापस आए, और दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट सही सही जगहों पर जानी ही चाहिए। तो 5 लाख के ऊपर और 10 लाख के ऊपर क्या टैक्स परसेंटेजेस होते हैं? अब गवर्नमेंट ने शायद 2 साल पहले एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर वो यही कहते हैं कि भाई अप टू 2.5 लाख मिल, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5% 10%, 7.5% से 10 लाख 12%, मतलब 2.5% के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है, 15 लाख के ऊपर 30% या ऐसा कुछ रेट आता है जी। न्यू स्लैब स्ट्रक्चर, कोई सैलरी क्लास बंदा है वो ATC में इन्वेस्ट करना भूल गया है तो वो नए स्लैब स्ट्रक्चर में जाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका टैक्स कम बनेगा। अच्छा, हाँ जी, वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना भूल गया है सेक्शन 80C में अगर, तो उसका टैक्स कम बनेगा नए स्लैब स्ट्रक्चर में। और सैलरी क्लास बंदे के पास ये ऑप्शन है, वो हर साल स्लैब स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। मेरा मन कर रहा है ओल्ड में जाना, इस साल ओल्ड में चला गया, मेरा मन कर रहा है न्यू में जाने का तो मैं न्यू में चला गया। पर बिजनेस क्लास बंदा अगर एक बार ओल्ड से न्यू में चला गया तो वो वापस ओल्ड में नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, बिजनेस क्लास बंदे को गवर्नमेंट कह रही है ये शैतान बच्चे हैं, ये नहीं मानते, ये बहुत परेशान करेंगे, इनको एक बार शिफ्ट कर दिया तो कर दिया, सैलरी क्लास बंदे को तो हम पकड़ ही लेंगे। हाँ, क्योंकि सैलरी क्लास की तो सारी डिटेल्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है, बिकॉज़ यू रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड देन ऑफ कोर्स थ्रू दैट विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आल्सो। अरे वाह, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो ओल्ड और न्यू के स्ट्रक्चर में हम आ जाते रहते हैं इसका चॉइस हमारे पास है, पर ये करना और इसके बारे में हमको फिर कॉर्पोरेट्स को बताना ये भी हमारा जिम्मा होता है, एंड विल द कॉर्पोरेट्स अलाउ फॉर दिस टू हैपन? कॉर्पोरेट्स में मैम सबको पता है सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हुए वो पूछते हैं एम्प्लॉइज से स्टार्टिंग में ही कि आप ड्यूरिंग द ईयर ATC में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी आपकी HRA है, ठीक है, ये सब चीजें वो इनिशियल शायद अप्रैल मई के महीने में ही पूछ लेते हैं, देन वो फरवरी मार्च में आपसे डिक्लेरेशंस लेते हैं आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी फरवरी मार्च की सैलरी में से हैवी डिडक्शन होती है TDS की, ठीक है। इससे बचने का तरीका क्या है कि भैया आप पहले से ही अपना मंथली जो अपोर्शन करना है आप करते चलें। मेरी राय में ओल्ड स्ट्रक्चर अभी भी बेटर है न्यू स्ट्रक्चर से, क्योंकि आपको HRA का बेनिफिट मिलता है जी, ATC का बेनिफिट मिलता है आपको, ATD मेडिकल, उस स्लैब स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है नए स्लैब स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर साल में शायद आपका टैक्स बचाए लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर ही बेनिफिट देगा अगर आप बहुत ज्यादा हायर इनकम ग्रुप में नहीं है तो। अच्छा अच्छा, तो 5 लाख से 10 लाख तक का अगर किसी का सैलरी है या 5 से 15, तो ये आप सजेस्ट करते हैं कि ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर में जाए और ये ऑप्शन हम
जब कॉर्पोरेट हमें हमारी कंपनीज हमें मांगती है हमसे डिक्लेरेशन के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि हम ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं. वेल द रेस्ट ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस विद योर कंपनीज ओनली, बिकॉज़ कंपनीज के भी अलग अलग अपने रूल्स होते हैं. बट अदरवाइज विद एन ऑप्शन दैट देयर इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस ऑप्शन. बहुत सारी इसके बारे में हम बातें और भी कर सकते हैं. बताइए बताइए राहुल जी. और मैम, सपोज आपकी कंपनी ने नए स्लैब स्ट्रक्चर के साथ से टैक्स काट दिया, आपके पास फिर भी ऑप्शन है, आप आईटीआर भरते हुए स्लैब स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो. Oh, lovely. Wow. अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है. तो फिर ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारी कंपनी ने हमें ऑप्शन नहीं भी दिया हो, तो टैक्स फाइल करते समय, रिटर्न फाइल करते समय हम ये ऑप्शन जरूर ले सकते हैं और उसका फायदा, आप कह रहे हैं उसका फायदा जरूर होगा, टैक्स कम लगेगा फिर हमें. ओके, ये बहुत अच्छी बात है. वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम राहुल जी. किसी ने यहाँ पे कॉमेंट भी किया है, राहुल जी आपने देखा, आहाना कह रहे हैं राहुल जी इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. वाह 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 वाह, यू हैव मेड राहुल जी ब्लश, विच इज वेरी वेरी गुड आहाना. अब इसी के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है मूड भी और अच्छा होता जा रहा है विद सच लवली कमेंट्स. शुरुआत में ही आपके आपके लुक के बारे में, आप हैंडसम हो इसके बारे में, सबके बारे में कॉमेंट्स आ चुके हैं. दिस इज वेरी वेरी गुड एंड आई एम लविंग दिस. We are moving on to the next segment, and that next segment is all about understanding. जैसे हम कहते हैं, well, इन चीजों के बारे में हम सुनते जरूर हैं और इन चीजों से हम थोड़ा बहुत डरते भी हैं, तो हम करें क्या, कुछ नहीं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे और इसके बारे में इसीलिए हम बातें कर रहे हैं स्कैम संभाल के. Well, कहां चला गया? Okay. मेरी एवी भी चली गई. आई एम गोइंग टू गेट माई एवी ऑल ओवर अगेन एंड प्ले इट. वेल, इसे कहते हैं सफल. अब ऐसा है कि स्कैम्स बहुत सारी होती हैं, तो एक स्कैम के बारे में हम बात करते हैं आज, जहां पर रिटेल ब्रांड्स जो है वो लोगों को चार्ज करते हैं कस्टमर से बैग्स के लिए. ये छोटा सा ट्रिक है एक्चुअली, और ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यार एक बैग ही तो है. बट इसमें भी स्कैम निकल के आ चुके हैं, जो कि कम होता जा रहा है क्योंकि फिर से प्लास्टिक पे बैन्स लगाए दिए गए हैं. बट विद रिगार्ड्स टू क्लॉथ बैग्स, ये ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं. तो इसीलिए मेरा सवाल जो है आज आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है. हैव यू एवर पेड फॉर अ बैग फ्रॉम अ रिटेल स्टोर? जब मैं मॉल जाती हूँ, पेपर बैग मिलते हैं उनके ब्रांड के साथ, वो कोई मुझसे पैसा नहीं लेता. पहले लेते थे और तब मैं अपने बैग्स लेकर जाती थी. ओके, बिकॉज़ आई डिड वांट टू पे फॉर दोस बैग्स. इट यूज्ड टू बी 15 रुपीस, 20 रुपीस, 30, 40. अब पिछले साल से इन्होंने ये पैसे लेना बंद कर दिया है, क्योंकि ये उनके खुद के बैग्स हैं और उस पर उनका लोगो लगाया हुआ है. तो फिर ये एक लॉ, एक रूल आ गया था कि ऐसा नहीं कर सकते आप अपने मार्केटिंग के लिए. किसी एक इंसान ने ही, जिसने अपना दिमाग लगाया, उसने फाइल किया था पेटिशन और उसने ये किया था, एंड तब से चार्ज नहीं हो रहे. लेकिन अभी भी कई जगहों पर अपने लोगों के साथ लोग चार्ज जरूर कर रहे हैं. सो आई हैव गॉट रिस्पॉन्स. लोग कह रहे हैं येस, 100% दे हैव पेड फॉर अ रिटेल बैग. ये जो स्कैम है इसके बारे में हम प्लास्टिक की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, ये हम लोगों को समझना चाहिए. मैं प्लास्टिक बैग शायद पिछले 2-3 साल से अपने पास नहीं रख रहा हूँ, और मैं अपने पास नॉर्मल बैग्स लेके जाता हूँ और उसमें अपना सामान लेके आता हूँ. बल्कि मेरे को वो दे रहा होता है बैग, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को बैग नहीं चाहिए, चाहे तो मेरे को हाथ में ही दे दे, मैं अपनी गाड़ी में डाल के ले जाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं अपना बैग साथ लेके आता हूँ. मेरा ट्री रेवोल्यूशन के नाम से ट्रस्ट भी है, जिसमें हम ट्रीज लगाते हैं, ठीक है. हम प्लास्टिक के अगेंस्ट पहले से ही चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक से आज ही कुछ अगेंस्ट हुए हैं, ठीक है. अब अगर उसने 10 रुपए का चार्ज लगाया ना मैम, तो घर से निकलते हुए ना मुझे याद रहेगा यार ये 10 रुपए लेगा, मैं अपने घर से ले जाता हूँ बैग. अगर वो 10 रुपए का चार्ज नहीं लगाएगा ना, तो आप कोई भी बैग लेके नहीं आओगे जी.
ठीक है, और उसका ही बैग लोगे, और इवेंचुअली होगा क्या मैम, देखिए घूम फिर के वो बैग जाना कूड़े के डस्टबिन में ही है, चाहे आज चला जाए, चाहे वो 10 दिन बाद चला जाए, चाहे वो 20 दिन बाद चला जाए, लेकिन जो आप बैग घर से लेके जाओगे वो मजबूत बैग होगा और वो रिपीटेटिव बार यूज होगा। एब्सोल्युटली, तो आपके हिसाब से तो ये स्कैम है ही नहीं, बल्कि काफी सारे स्टोर्स ये स्कैम करते थे और अपने प्लास्टिक बैग्स को, क्योंकि लोग ना अब जैसे हम छोटे वेंडर्स के पास जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो रस्ते पर बैठे हुए वेंडर्स हैं, उनके लिए ये रूल्स कम लागू होते हैं क्योंकि वो बच निकलना चाहते हैं, उनके पास कुछ रजिस्टर्ड नहीं होता है। जैसे भाजी तरकारी के जो वेंडर्स रस्ते पर बैठे होते हैं, हम भी उनसे खरीदते हैं और हम कस्टमर्स जाके बड़ी आसानी से उनको कह देते हैं कि यार हमारे पास बैग नहीं, आप अपना प्लीज दे दो, और ये बेचारे ना, उनको गवर्नमेंट ने कहने के बाद भी, और फीस और पेनल्टी इन पर ज्यादा लगती है और इनको उसका फटका भी बहुत ज्यादा लगता है, बट फिर भी ये बैग्स लाके रखते हैं, और फिर मैंने देखा है कि लोगों को निकाल कर ये बैग देते हैं फ्री में बिना किसी पैसे के। सो आई थिंक स्कैम जो आप कहना भी चाहते हैं, एक तरह से आपका उद्देश्य ये है कि ये स्कैम शायद इतना बड़ा ना हो जितना कि इंसान, मतलब कस्टमर जो है वही अपनी आदतें चेंज नहीं करना चाहता है, और यहीं पर सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। तो ये नजरिया आपने बिल्कुल बदल दिया है आज राहुल जी, विच इज वेरी वेरी गुड। आपने जो कहा ट्रीज के बारे में, या फिर आप एक छोटा सा फाउंडेशन चलाते हैं जहाँ पर यू नो ट्रीज आप प्लांटेड, इसके बारे में कुछ बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए मैम, मैंने 2000 ट्रीज प्लांट किए थे, देन कोविड कम्स एंड मेरे अप्रोक्सीमेटली 1000 ट्रीज जो है वो स्क्रैप हो गए, उस टाइम पे पानी डालने हम नहीं आ पाए। 1000 ट्रीज आज भी बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, हमने उनके अंदर सबके अंदर वेस्ट वाटर डाला था, सोसाइटी एक यहाँ पे हमारे पास थी जहाँ से वेस्ट वाटर निकलता था, एंड वी हैव यूज्ड अप्रोक्सीमेटली 40,000 लीटर वाटर वेस्ट डेली इन गिविंग वाटर टू देम। अब वो ट्रीज सेल्फ सस्टेनिंग है, उनको कोई किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद ग्रो हो रहे हैं, वी नीड टू जस्ट मेंटेन देम, कटिंग वगैरह एंड ऑल, तो उसके लिए अपने पास एक टीम है जो कटिंग करती है, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बहुत बहुत खूब। अब आप सोच रहे होंगे हमारी ऑडियंस की, हम फाइनेंस की बातों से लेकर डायरेक्टली हम एनवायरमेंट की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जो हमारा एक्शन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरमेंट पर, चाहे वो पैसे कमाने से लेकर पैसे कैसे यूज करते हैं, किस इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट का या उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा अगर हम हमारे एनवायरमेंट को बनाने में वापस डाल दें, तो आज जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं अंदर वो और थोड़ा साफ होता जाएगा। आजकल साफ नहीं है, दिल्ली के बारे में आपको भी पता है राहुल जी, आप दिल्ली से हो, मुंबई के बारे में मुझे पता है, जो बैंगलोर से है उनको बैंगलोर के बारे में पता है कि डेवलपमेंट की वजह से ट्रैफिक बढ़ चुका है, कार्बन एमिशन बढ़ चुके हैं, कार्बन एमिशन बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ चुकी है। ये कोविड इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर उसके साथ साथ जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज सीधे आके हमें ही अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को ही अफेक्ट करता है। तो फिर जितना भी पैसा कमा लें, आई डोंट थिंक इट विल एवर बी इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। तो इसीलिए जो राहुल जी करते हैं और जो फॉलो करते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। अब इसके साथ साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और अगले पोल पर चलेंगे, और यहाँ पर होगा एक चुटकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे आईटी रिटर्न्स के बारे में हमने आज सीखा कि डेट 31 जुलाई तक है, पर 2 साल का नए रूल के हिसाब से, नए बजट में इन्होंने चेंजेस किए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं राहुल जी, आप पढ़ रहे हो कि नहीं? तो हम उसके बारे में जानकारी जैसे ले रहे हैं, वैसे और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बारे में जानकारी हमें होना चाहिए, चाहे वो बैंक्स में लोन लेने के बारे में हो या इंटरेस्ट के बारे में हो। इसीलिए आज के एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम बातें करने वाले हैं बिल्कुल इसी चीज के बारे में, और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और मुझे समझाने लगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है, और हमारे हर एक्शन पर हम जो चीजें करते हैं हमारे पैसों को लेकर, उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, उस पर टैक्स लगता है, ये सारी चीजें समझने लगे थे। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड। इसलिए आज के एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम
कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं बिल्कुल सीधे ही सीए राहुल गुप्ता जी से। 100% लोगों ने कहा है यस, वाह, हमारी जो ऑडियंस हो वो बड़ी स्मार्ट ऑडियंस है राहुल जी। ओके, सो आई एम गोइंग टू नाउ एग्जिट माय एवी। बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें कुछ बताइए राहुल जी, क्यों जरूरी है? देखिए दोस्तों, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको लग रहा है आपने समझा है, मैंने भी सोचा था कि मैंने समझ लिया, लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी और जब मैंने समझा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने कहा यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। एक बंदा है, हर बंदा देखिए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, इवेंचुअली अपने आप अपने हमने अपने साथ तो लेके जाना नहीं है, हमने अपनी अगली जनरेशन को ही देखे जाना है। मैंने क्या किया, एक बंदे को पकड़ा, एक्स को, उसने लगाए 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्टमेंट, उसने 10 साल के लिए डाले 12 लाख रुपए। मैं 14% ROI उसका रिटर्न्स पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वैल्यू कम्स 25,60,000 रुपए, वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हुई 12 लाख के 25 लाख रुपए। मैंने करे 20 ईयर्स, 24 लाख की वैल्यूएशन उसकी कॉस्ट निकली एंड वैल्यूएशन कम्स 1.30 करोड़, मतलब 1,30,00,000 रुपए, 5 times हो गया वो पैसा, ये कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है। देन मैंने किया 30 ईयर्स, 36 लाख की वैल्यू बनी 5.5 करोड़। ठीक है जी, आपको 30 ईयर्स के बाद 5.5 करोड़ मिल गए, आपने उससे खर्चा कर लिया। ये है मेरे हिसाब से एक्स। अब मैं बात करता हूँ वाई की। वाई ने बहुत है, 2500 रुपए महीना में अपने बच्चे के नाम से इन्वेस्ट किया जी। अब मैं 7500 को अलग कर रहा हूँ, 7500 छोड़ो, उसने 2500 रुपए महीना 30 ईयर्स तक खुद डाला अपने बच्चे के नाम से जी, 9 लाख रुपए। अब उसने अपने बच्चे को ये लिटरेसी दी कि बच्चे तेरे को भी इसको 30 ईयर्स तक कंटिन्यू करना है जी। 30 ईयर्स तक बच्चे ने 9 लाख रुपए डाले, द वैल्यूएशन कम्स 18 लाख, 18 लाख रुपीज की उसकी कॉस्ट आई, जो 9 लाख रुपए उसने खुद डाले 9 लाख रुपए उसके बच्चे ने डाले। वैल्यूएशन कम्स, जब उसका बच्चा 60 साल का हुआ, वैल्यूएशन कम्स 90 करोड़। वाओ, दिस इज कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे साहब जो है, जो रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में आते हैं, उन्होंने 11 साल की एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा यार उन्होंने 11 साल पे की ना, मैं खुद तो नहीं कमाया, मैं अपने बच्चे के नाम पे जरूर कर देता हूँ। तो मैंने आगे उसको पहले दिन, जिस दिन से उसका बर्थडे चालू हुआ, मैंने पर मंथ उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया। मैं वॉरेन बफे साहब की कैलकुलेशन लूं, अगर 2500 रुपए महीना भी वो इन्वेस्ट करते हैं, और राइट नाउ ही इज 91 ईयर्स ऑफ एज, 80 ईयर्स की कंपाउंडिंग है उनके पास, 24 लाख रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बनती है, वो कहते हैं 20% ROI मेरा इससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। अगर मैं 20% ROI के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन करता हूँ मात्र 2500 रुपए महीने की, तो वैल्यूएशन कम्स 1,16,824 करोड़। कंपाउंडिंग पढ़ी है, आज आराम से बैठो गूगल पे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोल के और खुद कैलकुलेट करो मैं कितने रुपए महीना सेव करूं तो कितने साल में मुझे क्या मिलेगा, तब मैं मानूंगा कि आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गई। राइट, तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलता है, इसीलिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज समथिंग दैट आई विल अर्न फॉर माय सेल्फ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड। तो ये हाउ मच का तो आपने अभी समझा दिया, डज इट आल्सो मीन कि कहां कहां मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और बेटर होता जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक ने बोला था, एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस प्रॉमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अलोंग विद एन एडिक्वेट रिटर्न, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल इज मस्ट जी। आपने प्रिंसिपल ही सेफ नहीं किया, मैंने जुआ खेला सट्टे, आज मैच में सट्टा लगा दिया, मेरा प्रिंसिपल ही सेफ नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्पेक्यूलेशन। अगर कोई बंदा स्पेकुलेशन कर रहा है तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई फिक्स अमाउंट से करना, 50,000 1 लाख जितना अमाउंट आपको लॉस हो भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डोंट स्पेक्यूलेट योर इन्वेस्टमेंट्स जी, स्पेक्यूलेट अमाउंट को किया जाता है, स्पेक्यूलेट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं किया जाता। ऑलराइट, अगर आपको पैसा कमाना है तो इन्वेस्टिंग सीखो, स्पेकुलेशन मत सीखो। स्पेकुलेशन में 1 लाख में से एक बंदा कमाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में 1 लाख में से 99,999 कमाएंगे।
बहुत खूब बहुत खूब। तो इन सब चीजों में हमको हमारा टाइम भी इन्वेस्ट करना है, इसीलिए वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम। एंड जिस तरह से हम प्लान अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी करते हैं, हमारे दिन में जितना हमारे पास टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, उसको भी हमें सेग्रीगेट बहुत अच्छे से करना है, बहुत सोच समझ कर करना है कि आई एम गोइंग टू पुट दिस मच टाइम इन लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ इट कैन बी एंटरटेनमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ के बस यही सीखते रहे। सबका अपना सोशल लाइफ होता है एंड फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड हेल्थ एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, क्योंकि इसके डिस्कशंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हो और उससे आप भी सीखते हो, बट आखिर में एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा, या कुछ एक्सपर्ट्स, अगर आपको एक से नहीं दो से बात करनी है और एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो प्लीज लीजिए, बट दैट इज हाउ यू विल फॉर्म एन ओपिनियन एंड अंडरस्टैंड टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस बेटर। बहुत अच्छा रहा है आज का सेशन अब तक। एक लास्ट ऑफ कोर्स वी हैव टू जस्ट क्विकली गो थ्रू गेनर्स एंड लूजर्स। मुझे पता है आपके पास बहुत सवाल है, वाह क्या बात है, वर्तिका कहती है, निकी कहे कहा किया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एब्सोल्युटली या एग्जैक्टली सब एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, पर असम में भी वर्कशॉप करो ना सर, पुतुल साहू कह रहे हैं असम में वर्कशॉप करो। अरे भैया जब ग्लास रिपोजो मनी की बात आपको असम, गुवाहाटी, मेघालय सब जगह पहुंच रही है, तो आप बस इस ऐप पे आइए, सुनिए हम क्या बातें कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जो हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो प्लीज उस टॉपिक के बारे में भी आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या राहुल जी को भी अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि आप क्या, किस टॉपिक पर डिस्कशन सुनना चाहेंगे। तो आपका वर्कशॉप तो यही यहाँ पर हो रहा है, इस वर्कशॉप को बिल्कुल मिस ना करें और बहुत सारी बातें हम जरूर जरूर करेंगे। अब क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझ लिया है, और बहुत सारी चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझना जरूरी है, जो कि मुझे लगता है वन ऑन वन आप समझ के ले सकते हैं राहुल जी से उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी शायद आपने अच्छे से कैलकुलेशन दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, या यो वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हाउ टू ग्रो रिच, उसके अंदर रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कंपाउंडिंग, देन नेक्सॉन ईवी कार के ऊपर मैंने चार पांच वीडियोस इस तरीके की बनाई हुई है, कैलकुलेटर्स आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। ऑफ कोर्स इन 5 मिनट्स आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप शुरुआत फाइनेंस को समझने करें, उस शुरुआत को हम यहाँ पर एमकेबी पर हम आपको हेल्प कर रहे हैं करने में। एंड आई थिंक आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस, एंड थैंक्स टू ग्लांस एंड प्रपोजल टू इवन थिंक ऑफ दिस आइडिया एंड से दैट वी हैव टू टॉक अबाउट फाइनेंस, एंड आई एम होस्टिंग दिस शो विद एक्सपर्ट सीए राहुल गुप्ता। तो स्टॉक मार्केट अपडेट में सेंसेक्स कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आज, सेंसेक्स फॉल्स 300 पॉइंट्स एंड निफ्टी 50 स्लाइड्स बिलो 16,150। तो equity benchmarks BSE, Sensex and Nifty has fallen and this is after halting a 3-day winning run. काफी अच्छा चल रहा था मुझे लगता है, Saturday, Sunday, Monday तक अच्छा जा रहा था, and this is because of global markets nervousness है because of steep hikes in interest rates and their impact on economic growth. There are losses across most sectors where the headline indices are lower. Oil and gas and metal shares being the biggest contributors. Broader markets have also weakened. तो आपको क्या कहना है इसके बारे में राहुल जी? मैम देखिए सारा ग्लोबल डाउन है, FII बहुत पैसा हमारी मार्केट से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए, नितिन गडकरी जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही बयान दिया है कि 5 साल के बाद हम पेट्रोल को ही एलिमिनेट कर देंगे, हमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग ईवी पे इतना ज्यादा चले जाएंगे कि हमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है मैम, I bet ma'am कि हमारी कंट्री जबरदस्त पेस से ग्रो करेगी। Absolutely. तो आप भी ये बिलीव करते हैं कि फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि हमें फ्यूल के लिए बिल्कुल बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका खुद हो, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगती हैं, फ्यूल प्राइस इतना हाई हो जाता है, जब वर्ल्ड प्राइसेस कम होते हैं फिर भी हमारे प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विंडफॉल गेन्स गवर्नमेंट ही रख रहा है, वो अलग डिस्कशन है, बट मैं बस कह रही हूँ। छोटा सा बात बता सकता हूँ मैं, हमारी कंट्री ने पीछे
ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 1900 मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 1997 से हम लोग ऑयल बॉन्ड्स इशू करते हुए आ रहे हैं ऑयल कंपनीज को, जिनकी रिडम्पशंस कंटिन्यूअसली हो रही है। अब 10 साल के बाद उनकी रिडम्पशन स्टार्ट होनी थी, वो रिडम्पशंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑयल सस्ता नहीं कर सकती, गवर्नमेंट की मजबूरी है चाहे कोई भी हो गवर्नमेंट। ओके, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये विंडफॉल गेन्स और इसी तरह से कॉर्पोरेट जो ऑयल कंपनीज है उनके भी विंडफॉल गेन्स पर विंडफॉल टैक्स लगाया दिया गया है, जो बहुत जरूरी है। जैसे आप कह रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स पर अगर रिडीम करना है, रिडेम्पशन करना है, लोगों को देना है, तो ऑब्वियसली दे नीड दैट काइंड ऑफ मनी। एंड हमारी पॉपुलेशन जो है वो अब बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं होती जा रही है, जिसकी वजह से अगर इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स रिटर्न भी बढ़ेगा। एंड सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वॉट वी नीड टू कीप इन माइंड इज ईवी अगेन राहुल जी के बहुत करीब है, दिल के करीब है, और ईवी में ही बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि ईवी के बारे में हम जरूर एक दिन डिस्कस करेंगे। 5 साल इज वेरी स्मॉल टाइम एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ अस टू शिफ्ट टू ईवी, क्योंकि अगर आज भी हम देखें, जैसे मैं उस दिन महिंद्रा ईटो के बारे में देख रही थी, मैंने कहा अगर मैं एक गाड़ी अपने लिए सिटी में खरीद रही हूँ, बिकॉज इट इज सो कंजेस्टेड इन द सिटी टू गेट टू वर्क एंड बैक, अगर 2 घंटे मुझे ऑफिस में जाने में और आने में वापस 2 घंटे लगते हैं, तो आई माइट एज वेल बाय अ रियली टाइनी बट ईवी कार, क्योंकि इतना टाइम हम रस्ते पर बिता रहे हैं। बंबई जैसे शहर में बहुत लंबा रास्ता है, यू नो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मैं पिछले 20 साल से करते आ रही हूँ। तो फिर ईवी बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि चाहो शायद दिल्ली में ज्यादा हो, आपके पास लैंड पार्सल्स बहुत ज्यादा है, बैंगलोर में ज्यादा हो, हैदराबाद में भी हो, पर हमारे जैसे आइलैंड सिटी को बहुत मुश्किल हो रहा है पूरी तरह से ईवी में जाने के लिए। इनफैक्ट महिंद्रा तो लॉन्च भी नहीं कर रहा है, तो दे हैव स्टॉप्ड प्रोडक्शन, सो इट्स वेरी अपसेटिंग। ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉमिस है जो आप कह रहे हैं, गडकरी जी हमें बता रहे हैं, पर अगर हो जाए, आई रियली डाउट इट विल हैपन राहुल जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इफ इट डज हैपन then I think it will change everybody's lives, like you rightly pointed out. And that is a very good note to close this show on today. Rahul ji, bahut khub raha. Thank you very much. Rahul Gupta with me every Tuesdays and Thursdays. Hum phir milenge Thursday ko 12 baje Money Ki Baat par with CA Rahul Gupta along with me Annie on Glamz and Reposo. Don't miss it. Income tax samjhe. अगर नहीं भी समझे हो तो डोंट वरी, थर्सडे को हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। थर्सडे को हम इसी इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।